आपके साथ। दुष्कर्म पीड़िता की सलामती के लिए मांगी गई दुआएं, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन, आरोपी को फांसी पर चढ़ाने की मांग, मामला पूर्णिया के कस्बा का। कस्बा के सब्दुलपुर गांव में दुष्कर्म शिकार मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग 21 वर्षीय युवती की सलामती के लिए कस्बा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले दुष्कर्मियों को फांसी देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला गया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा तथा कैंडल मार्च का नेतृत्व युवा राजद के राष्ट्रीय सचिव नवीन यादव ने किया। इस प्रार्थना सभा में शामिल सभी धर्मों के सैकड़ों की संख्या में महिलाएं तथा बच्चे शामिल थे। सभी ने दुष्कर्म पीड़िता के जल्द स्वस्थ होने की कामना ईश्वर से की, साथ ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दुष्कर्मियों के लिए सजा की भी मांग की गई। राष्ट्र सचिव की माने तो पुलिस अधीक्षक विशाख शर्मा से स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी को फांसी देने की मांग की गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समाज में आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले के खिलाफ भी पुलिस ठोस कदम उठाए। एक तो बिहार में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं स्वस्थ से कहीं ज्यादा घटती जा रही है, जिस पर सरकार अंकुश लगाने में पूर्णतः विफल है। और अभी हाल में ही 5-7 दिन पहले हमारे कस्बा प्रखंड के कटवेली पंचायत की सबदलपुर पंचायत की एक गुंगी और बहरी जो लड़की बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है, ऐसे लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और उसके बावजूद भी अभी तक उसमें आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है कि किसने उसके साथ किया। और वो बच्ची अभी भागलपुर में उसका इलाज चल रहा है, पता नहीं वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इसी को लेकर हम लोगों ने, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ की महिलाएं हैं कस्बा की, तो सारे लोग मिलकर उनके स्वस्थ होने की कामना इस वर्ष से कर रहे हैं, जिसमें सर्वदल प्रार्थना सभा का एक आयोजन किया गया और कैंडल मार्च निकालकर सरकार को आगाह किया गया कि अगर इस पर सरकार रोक लगाने में विफल होती है तो निश्चित तौर पर आम आवाम अब इसके लिए सड़क पर उतरकर अपना हक और औरत की इज्जत आबरू को बचाने के लिए आंदोलन की शुरुआत करेगी। और उसी कड़ी को आज अंधी हो चुकी है, न प्रशासन सुन रहा है न कुछ सुन रहा है। 7-8 दिन पहले घटना हुई है, कस्बा की बेटी निर्भया जल्द स्वस्थ हो तथा आरोपियों को पहचान कर गिरफ्तारी की फांसी दी जाए, यही मांग है हमारी। नहीं तो हम लोग रोड से विधानसभा तक हम लोग कदम उठाएंगे। इसमें खास करके देखते हैं यहाँ के बच्चे बच्चियों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं में है, सब आक्रोश में है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखिए आप, देखिए सब एकदम आक्रोश है, आरोपी को एकदम फांसी दिया जाए। आपकी आखिरी मान है, आप आरोपी को फांसी दिया जाए। हाँ, एकदम फांसी दिया जाए।